प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट है अपना ईवीएस वन, टॉपिक है अपना फूड फॉर ऑल पार्ट टू। पार्ट वन के बारे में हम लोग सीखे हैं खेती के मौसम, खेती के कार्य, पारंपरिक खेती, खेती की सुधारित प्रौद्योगिकी, खादें, सिंचन की पुरानी विधियां, नई विधियां, इन सब के बारे में हम लोग पहले वीडियो में सीखे थे। आज हम आपको फसलों की सुरक्षा के बारे में हम लोगों ने देखा था बच्चों, जब अनाज तैयार हो जाता है उसकी सुरक्षा, उसको गोदाम में रखना, उसके भंडारण को अच्छी तरह से करना, माने खाद्य संचयन, पर्यावरण संवर्धन, सस्ते अनाज की दुकान, हरित क्रांति, खाद्यान्न सुरक्षा, कृषि सहायक उपक्रम और जैव कृषि के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। एग्रीकल्चर थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं, जिसको हम खेती बोलते हैं। खेती के दो मौसम मुख्य रूप से हम लोगों ने देखा था। एग्रीकल्चर सीजन में वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स फॉर देयर पर्पस, वी सो ग्रेन्स इन फील्ड्स एंड प्लांट्स फ्रूट ट्रीज इन ऑर्चर्ड। अबाउट 60% ऑफ द लैंड ऑफ आवर कंट्री इज इन यूज फॉर एग्रीकल्चर। वनस्पतियों से हमें भोजन प्राप्त होता है, उसके लिए खेतों में फसलों की बुआई, बगीचों में फलों का वृक्षारोपण किया जाता है और भारत के लगभग 60% भूभाग का जो भाग होता है वो खेती के लिए उपयोग में किया जाता है। और ऋतुओं के अनुसार वर्ष में खेती के दो प्रमुख मौसम होते हैं। एक होता है जून से अक्टूबर तक, जो फसलें इसमें पैदा की जाती हैं उसको हम खरीफ की फसल बोलते हैं। और जो फसलें अक्टूबर से मार्च तक के बीच में पैदा की जाती हैं उसको हम लोग रबी की फसल बोलते हैं। इसके अतिरिक्त जो महीने बचते हैं वो कौन कौन से महीने बचते हैं? मार्च से जून तक की जो फसलें पैदा की जाती हैं उसको हम समर क्रॉप्स बोलते हैं। इस प्रकार से साल भर में जून से अक्टूबर खरीफ का सीजन है, अक्टूबर से मार्च रबी का सीजन है और मार्च से जून तक हम ग्रीष्मकालीन की फसलें जो होते हैं वो पैदा करते हैं। बच्चों, फसलों को पैदा करने में किसान को बहुत सारी आर्थिक माने पैसे की भी जरूरत होती है समय समय पर, और बहुत सारे परिश्रम की भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जितना खाना आवश्यक है उतना ही खाएं, बर्बाद न करें। कभी कभी होता है पार्टी वगैरह में लोग बहुत सारा खाना ले लेते हैं और खराब कर देते हैं, उसको वेस्टेज में फेंकते हैं। बच्चों, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसान जो है बहुत परिश्रम करता है तब जाके अन्न जो है हमारे पास आता है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन, हम अनाज तो पैदा कर लेता है किसान, तो वहीं उसकी जिम्मेदारी नहीं समाप्त हो जाती है, वहीं उसकी जिम्मेदारी
नहीं समाप्त हो जाती है, उसको अनाजों का भंडारण कैसे करते हैं? माने खेती में अच्छा उत्पादन हो, अच्छा प्रोडक्शन हो, इसके बाद उसको फसल जब तैयार हो जाती है, ये देखिए, अगर आप अच्छे ढंग से उसको स्थान पे नहीं रखेंगे, सूखे हुए स्थान पर बंद कमरे में जहां पर हवा भी, वेंटिलेशन की भी जरूरत होती है बच्चों, ये देखिए वेंटिलेशन की भी जरूरत होती है, अगर ये हवा नहीं जाएगी तो अनाज खराब हो जाएगा, अनाज क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जहां पर स्टोरेज, बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े दरवाजे रहते हैं बच्चों, तो रोज लाइट जलाती है, रोज पंखा जलाया जाता है और दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं जिसमें हवा का आवागमन होता रहे। कभी कभी हम देखिए अगर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, ध्यान अगर नहीं देते हैं तो हम बहुत परेशानी हुई। कबूतर देखिए खाने में, कभी कभी चूहे भी गोदाम में चले जाते हैं और बहुत परेशानी पैदा हो जाती है। तो किसान क्या करता है, अनाज को धूप में सुखाता है, बोरे में भरता है, इसके बाद वो बिक्री, कुछ अनाज अपने पास रखता है, कुछ अनाज बाजार में बेचने के लिए भी भेज देता है। अनाज में कुछ दवाएं भी डालते हैं। प्राचीन काल में जब दवाएं का उपयोग इतना नहीं था बच्चों, तो हम लोग नीम की पत्तियां उसमें डाल देते थे। नीम की पत्तियां डाल करके, ये नीम की पत्ती है, इसका उपयोग करते थे, इससे कीड़े उसमें नहीं लगते थे। केवल प्राणी, फूड स्टोरेज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, खाद्य संचरण और पर्यावरण संवर्धन। बच्चों फूड जो होता है, अनाज जो होता है, शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन ड्राई सैनिटरी कंटेनर्स दैट आर ऑल राइट इफ पॉसिबल। माने जो भंडारण करना चाहिए, जो जगह होगी वो भी स्टोर्ड होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, अनाज में फफूंदी न लगे, कंटेनर्स सूखा होना चाहिए, इन सब का ध्यान हमें देना पड़ता है। नहीं तो ये देखिए तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़े जो होते लग जाते हैं। और ऐसा नहीं है बच्चों, जितने भी सजीव हैं, ये देखिए जितने भी सजीव हैं, हम ही नहीं संग्रह करते बच्चों, कि मनुष्य ही संग्रह करता है, सभी सजीव अपना अपना अनाज संग्रह करके रखते हैं कि बारिश का सीजन आ गया, सूखा पड़ गया तो हम क्या खाएंगे। तो चींटियां भी अपना भोजन संग्रह करती है, मधुमक्खियां भी देख रहे हैं अपना भोजन फूलों से इकट्ठा कर रही है, मकरंद उसका, गिलहरी भी फलों का बीज संग्रह कर रही है। इस प्रकार भोजन का संग्रह करने के कारण जब आवश्यक हो तो उस समय उन प्राणियों को भोजन उपलब्ध होना चाहिए। बच्चों केवल प्राणी ही नहीं, वनस्पतियां भी अपना भोजन संग्रह करती हैं। ये वनस्पतियां अपना भोजन सतत बनाती रहती हैं। इनको सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य के प्रकाश में ये अपना भोजन संग्रह करती हैं। तो वनस्पतियां अपना भोजन तो संग्रह कर लेती हैं बच्चों, लेकिन ये हमेशा अपने भोजन के संग्रह में बिजी रहती हैं। जब ये अपना भोजन बनाती है, ये भी हमारे तरह श्वसन क्रिया करती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन ही निकालती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ये भी श्वसन करती है हमारी आपकी तरह वनस्पतियां भी। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और वनस्पतियां क्या करती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ऑक्सीजन निकालती है। तो ये हमारे लिए भी
पर्यावरण को साफ सुथरा करने में भी वनस्पतियां बहुत आवश्यक हैं। तो देयर आर सम प्लांट्स दैट स्टोर फूड, कुछ वनस्पतियां भी हैं जो अपना भोजन संग्रह करके रखती हैं। ये देखिए वनस्पतियां अपना भोजन इसमें भी बना रही है। बच्चों बहुत सारी वनस्पतियों के तने भी खाए जाते हैं, उसके कंद खाए जाते हैं। जैसे हरी सब्जियां हैं उसके हम तने ही खाते हैं। ये देखिए बहुत सारी सब्जियां हैं जिसके हम तने खाते हैं, जिसके कंद खाते हैं, जैसे प्याज है, आलू है, अदरक है, लहसुन है। इन वनस्पतियों के शकरकंद है, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, ये वनस्पतियों की जड़ें हैं। और इन भागों में वनस्पतियों का जो भोजन होता है वो संग्रह रहता है। देखिए आलू है, ये सब में वनस्पतियों का भोजन संग्रह करती हैं। आवश्यकता के अनुसार हम भी घर में खाद्यान्नों का संग्रह करते हैं। तो वनस्पतियां भी अपने भोजन का संग्रह करती हैं और हम आप भी अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन का संग्रह करते हैं। बच्चों पहले समय में भूखमरी थी, लोगों को भोजन नहीं मिल पाता था क्योंकि इतना भोजन अन्न पैदा ही नहीं होता था। धीरे धीरे जैसे जैसे सुधार होता गया कृषि में, अब अपने भारत देश में इतना अधिक मात्रा में अनाज पैदा होता है, उत्पादन होता है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या की पूर्ति करते हुए भी बहुत बड़े बड़े गोदाम हैं जिसमें अन्न को संग्रहित किया गया है कि वे किसी भी समय जैसे बाढ़ आ गया, अकाल पड़ गया, ओला पड़ गया, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में वहां से हमको भोजन मिल सकता है। तो अपने पास अपने देश में गोदामों का गोदाम जो अनाजों से भरे हुए हैं। इतना ही नहीं बच्चों, जो थोड़ा गरीब लोग हैं उनको भी सरकार क्या करती है, सस्ते दुकानों पर, ये देखिए कैसे गोदाम अपने बड़े बड़े बहुत गोदाम है और सब जो होते अन्न से भरे हुए हैं। ये किसी भी समय इतनी पॉपुलेशन है, ये देखिए पॉपुलेशन दिखाई दे रही, जनसंख्या कितनी बच्चों, बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो भी हमारे किसान, ये देखिए बाढ़ आ गई उस समय ये गोदाम का, इस समय जो आप चित्र देख रहे हैं इस विषम परिस्थितियों में ये गोदामों से अन्न निकलता है और उसको हम खाते पीते हैं। विजिट टू फेयर प्राइस ऑफ, देखिए आप सस्ते अनाज गल्ला की दुकान में जाओ जहां पर राशन कार्ड से मिलता है। ये विभिन्न प्रकार के राशन कार्ड होते हैं, राशन कार्ड की दुकान पर विभिन्न प्रकार के अनाज मिलते हैं। वहां पर अपने माँ बाप के साथ जाओ और देखियो कौन कौन सा अनाज मिलता है। हमने बहुत सारा अनाज डाला है वहां पर, आप उसके नाम भी जान जाएंगे। आप दुकान पर जाएंगे सबका नाम लिखा रहता है, नाम लिख के पट्टी लगी रहती है बच्चों, तो आप आसानी से नाम जान सकते हो। बच्चों ये आजकल आधुनिक भारत की बात बता रहा हूं मैं आपको, तो अपने देश में ये टाइप्स ऑफ राशन कार्ड है, तीन प्रकार के राशन कार्ड दिखाए गए चित्र में। हमारा देश, हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, हमारा देश खाद्यान्न के संदर्भ में अभी आत्मनिर्भर हो गया है। मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि दूसरे देश से गेहूं आएगा, चावल आएगा, तब हम खाएंगे, तब अपना पेट भरेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो हरित क्रांति हुई,
ये किसने सोचा, अपना भारत देश तो इतना पैदावार नहीं करता था कि जितना सबको जितनी जब सबको जरूरत होती थी। लेकिन आज यही किसान पुरानी विधि परंपरा से खेती करता था, आज किसान नई विधि से नई टेक्नोलॉजी से खेती करता है, पैदावार को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की रासायनिक खादों का उपयोग हुआ है, फसलों की सुरक्षा के लिए कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए विभिन्न दवाओं का उपयोग किया जाता है, और आपने जैसा देखा कि स्टोरेज करना है तो अच्छे अच्छे स्टोरेज भी बनाए गए हैं, गोदाम भंडार जिसको बोलते हैं। ये सारी विधियां ए टू जेड अगर ध्यान में रखी जाएगी तभी हम भोजन कर सकते हैं। अभी अपना देश जैसे हमने बताया कि आवश्यकता से अधिक उत्पादित खाद्यान्न का हम विदेशों में भी निर्यात कर रहे हैं, और जो वृद्धि हुई है उसका सारा श्रेय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है। बच्चों, यह प्रचंड वृद्धि हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। वैज्ञानिकों, विज्ञान प्रचारकों और किसानों के सम्मिलित प्रयास द्वारा यह हरित क्रांति जो है संभव हुई है। गेहूं और चावल के बीजों में सुधार करके, पहले बच्चों आपने देखा खेती कैसे होती थी, हम जो पैदा बीज पैदा होता था उसी को रख देते थे अगले साल फिर उसको बोने के लिए, तो पैदावार कम होती थी। अभी नए नए बीज बाजार में आपको उपलब्ध है, हर साल किसान नया बीज लेता है, नई टेक्नोलॉजी अपनाता है, उससे क्या होती है पैदावार बढ़ती जा रही है। तो गेहूं और चावल के बीजों में सुधार करके हरित क्रांति जो लाया है माने पैदावार को कई गुना बढ़ा दिया है, वो सारा श्रेय डॉक्टर ये एम एस स्वामीनाथन को जाता है। पूरा का पूरा श्रेय द ट्रेमेंडस इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन आवर कंट्री वॉज अचीव्ड ड्यूरिंग द ग्रेन रिवोल्यूशन मीन्स हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति हमारे देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में हुई प्रचंड वृद्धि हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है, हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। इसके बाद जो खाद्यान्न सुरक्षा फूड सिक्योरिटी, बच्चों जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक और पर्याप्त भोजन मिलता रहे इसी उद्देश्य से बहुत से देशों द्वारा खाद्यान्न की प्रत्याभूति देने के लिए अधिनियम बनाए गए हैं, सबको भोजन मिलता रहे, फूड इज ए बेसिक नीड है। तो ये जो खाद्य अधिनियम बनाए गए हैं ये वर्ष 2013 में बनाया गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया। बच्चों नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में बना था। इस अधिनियम के द्वारा कुपोषण, अनाहार मृत्यु और भूखमरी इत्यादि समस्याओं का सामना करना संभव हो सका है। जब से यह एक्ट लागू हुआ है बच्चों कोई भी व्यक्ति बिना खाए मर नहीं सकता है, ऐसा नहीं कि भोजन के अभाव में व्यक्ति मर गया, उसको भोजन, ये देखिए कुपोषण है, कुपोषण से भी लड़ना है और अनाहार मृत्यु भूखमरी, ये एक्ट लागू हो जाने से इस सरकार का काम होता है कि कोई मरने न पावे। इसके साथ ही तो फूड सिक्योरिटी एक्ट बिल पास हुआ 2013 में, किसानों को समय समय पर
नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए सुधारित बीज, नए नए कीटनाशक, जलवायु का पूर्वानुमान लाने के लिए सरकार ने क्या किया है, कृषि सहायता केंद्र गांव-गांव में खोला है। थ्रू दिस प्रोग्राम फार्मर्स आर गिवन प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इरिगेशन फैसिलिटीज, इंप्रूव्ड सीड्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ईटीसी। इतना ही नहीं किया गया, सरकारों ने क्या किया बच्चों, जैसे तमाम प्रकार की यूनिवर्सिटी खोली तो विश्वविद्यालय भी खोले जहां पर खेती का ही ज्ञान के बारे में पढ़ाई, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोला, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम, विभिन्न प्रकार के कृषि विश्वविद्यालय भी प्रारंभ किए गए। इन विश्वविद्यालयों में किसानों के परिवार के सदस्य खेती संबंधी नवीन प्रौद्योगिकी सीखते हैं। कृषि उपज बाजार समितियों के माध्यम से खेती के उत्पादनों की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। तो बच्चों सरकार ने ये देखिए कृषि प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। तो सरकार, कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालयों, दूरदर्शन, समाचार पत्रों, ये देखिए ये प्रचार, खेती का प्रचार किया जाता है, जैसे खेती की जाती है, टेक्निकल विधि सारी किसानों को बताई जाती है और सब लोग सीखते हैं। इतना ही नहीं बच्चों, आजकल देखिए फव्वारा विधि से जो है आकाश में से जो होता है छिड़काव किया जा रहा है। ये देखिए माने लैपटॉप से जैसे आप खेलते हैं रिमोट लेकर के, इस रिमोट से देखो जैसे आप हवाई जहाज उड़ाते हो, तो यहां से देखिए रिमोट के द्वारा यहां से कर रहा और छिड़काव किया जा रहा है। तो इतना टेक्नोलॉजी आगे हो गई है बच्चों कि जो काम हम लोग 8-10 घंटा में एक आदमी करता था, अभी वो आधे घंटे एक घंटे में मशीनों के द्वारा हो जाता है। मशीनों के द्वारा क्या हो जाता है। इसका लाभ सबको मिलता है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी नवीन नवीन जानकारियां हैं, सबको ये जानकारी मिलती रहे। इसके लिए अपने दूरदर्शन केंद्र पर भी खेती के बारे में विभिन्न चैनल है, खेती के बारे में बताया जाता है कि अब कौन सा समय आ गया है बीज बोने का, काटने का, मड़ाई करने का, सारी गतिविधियां जो होते कृषि वैज्ञानिक हमारे समय समय पर बताते रहते हैं। समय समय पर कृषि वैज्ञानिक क्या करते हैं, बताते रहते हैं। देखिए एग्रीकल्चर असिस्टेंस प्रोग्राम में सरकारी कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालयों, दूरदर्शन समाचार पत्रों, विभिन्न पत्रिकाओं, कृषि पर आधारित विशेषांक आदि के माध्यम से आधुनिक खेती का प्रचार प्रसार किया जाता है और सुधारित विधियों का उपयोग करके भरपूर उपज प्राप्त करना सभी किसानों के लिए संभव हो गया है। इसका लाभ संपूर्ण देश को हो रहा है। ये देखिए किसान दूरदर्शन, सत्यम शिवम सुंदरम किसान का ही प्रोग्राम आता है और जो अच्छे किसान है वो प्रोग्राम को नियमित देखते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है बच्चों कि घर पर बैठे ही किसान सारी चीजों का भाव पता कर लेता है कि कौन सी फसल हमारी किस भाव में बिकने वाली है। बच्चों टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई, पैदावार बहुत आगे हो गई, लेकिन जहां पर अच्छाई है थोड़ा सा वहां सा बुराई भी है, क्योंकि हम अपने खेती में रासायनिक खादों का इतना ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, इतनी ज्यादा पैदावार ले रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा हमें सोचना है। अगर ऐसी पैदावार हम लेते गए, माने जैसे आप शरीर से आप अधिक काम कर रहे हो तो एक दिन आप परेशान हो जाओगे। उसी प्रकार से जमीन भी है, जमीन की उर्वरा शक्ति हम बढ़ा नहीं रहे हैं तो उससे पैदावार ज्यादा ले रहे हैं तो एक दिन वो भी क्या हो जाएगी, बंजर हो सकती है। इसलिए बच्चों हमारी सरकारों ने भी अब ध्यान दिया है और हमको भी ध्यान देना चाहिए कि जैविक कृषि ऊपर आधारित होना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, माने जो
पहले से ऑर्गेनिक जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त खाद थी, जैसे गाय है, गाय के गोबर की खाद, भैंस के गोबर की खाद, मुर्गी की लेड़ी, और ये देखिए जो मर जाती थी मछली वगैरह, इनके प्रयोग किया जाता था। तो प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करने की जाने वाली खेती को हम जैविक खेती कहते हैं। जैविक खेती, फार्मिंग दैट रिलाइज ऑन नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करने की जाने वाली खेती को जैविक या कार्बनिक कृषि कहते हैं। यह पारंपरिक खेती का ही एक प्रकार है। पहले बच्चों ये अपने पास डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी और यूरिया जैसी खादें नहीं हुआ करती थी, केमिकल फर्टिलाइजर था ही नहीं। हम ऑर्गेनिक खादों का ही उपयोग करते थे, जो हम जानवर पालते थे उनके मलमूत्र का उपयोग करते थे, या जो खेती में अपने प्लांट पौधे निकलते थे उनका हम उपयोग करते थे। इस प्रकार से हम जैविक कृषि पर आधारित थी। वो जो अन्न पैदा होता था वो हमको नुकसान भी नहीं करता था। आजकल तो जो अन्न पैदा हो रहे हैं सब में केमिकल है बच्चों। तो इस खेती में, जैविक खेती करने से इसके पोषक तत्व जो होते हैं वो जमीन में बने रहते हैं, और कार्बनिक कीटनाशक जो हम का उपयोग करते हो भी हमारे शरीर को कोई प्रभाव नहीं पहुंचाते हैं। इस जैविक खेती में जो अनाज पैदा होता है उसमें ताकत ज्यादा होती है, इसके अतिरिक्त उसका स्वाद भी अच्छा होता है, इसलिए किसानों द्वारा जैविक कृषि पसंद की जाने लगी है। और इसका जो अनाज पैदा करते हैं, सब्जी पैदा करते हैं, अन्न पैदा करते हैं, वो बाजार में ज्यादा दाम पर बिकता भी है। इस खेती में वनस्पतियों और प्राणियों द्वारा जो खादें होती हैं उसको ही डालते हैं। इसमें हड्डियों के चूरण, मछली गोबर की खाद, प्राणियों के मलमूत्र, सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ाए गए प्राणियों के अवशेष इत्यादि का समावेश होता है। वनस्पतियों से मिलने वाली खादों में खरपतवार, वनस्पतियों के अंगों और अवशेषों का उसका समावेश रहता है। तो बच्चों ये हमें ध्यान देना है कि हमें जैविक खादों का ही उपयोग करना है। जैविक खाद का अगर आप उपयोग करेंगे, अन्न जो कसदार होगा, ताकतवर होगा और फायदेमंद भी होगा, और हमको बीमारी क्या होगी बच्चों, कम से कम हमारे पास आएगी, क्योंकि हमारे अंदर ताकत रहेगी तो बीमारी हमसे दूर भागेगी। इसलिए किसानों को अभी चाहिए कि जैविक खादों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। जैविक खेती का जो होता है ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। सपोर्ट ऑर्गेनिक फार्मर्स, ये देखिए सपोर्ट ऑर्गेनिक फार्मर्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग है बच्चों, देखिए दिख रहा है, तो इनका ही हमें ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, अन्न पैदा करना चाहिए। इस पाठ में हम लोगों ने क्या सीखा, क्या याद रखना चाहिए? क्रॉप शुड बी वाटर्ड ओनली एज मच एज नेसेसरी। खेती में जितना आवश्यक है उतने ही पानी का उपयोग करें। देखिए ज्यादा पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करते समय सावधानी रखें। केयर शुड बी टेकन व्हेन यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, देयर ओवर यूज शुड आल्सो बी अवॉइडेड। अतिरिक्त उपयोग कदापि न करें, ज्यादा से ज्यादा उपयोग न करें। ज्यादा से ज्यादा हमने कहा कि ये यूरिया और डीएपी है, इसका उपयोग कम से कम करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमें जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए। व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा है इसमें? दो मौसम है, खरीफ और रबी के मौसम है। सुधारित, यूजिंग इंप्रूव्ड मेथड ऑफ फार्मिंग, सुधारित कृषि प्रौद्योगिकी द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होती है। कृषि सहायक उपक्रमों द्वारा किसानों को खेती के संबंध में
नई टेक्नोलॉजी की जानकारी दी जाती है, उसका भी उपयोग हमें करना चाहिए। तो खरीफ और रबी खेती के मुख्य दो मौसम होते हैं। और बच्चों, जैविक खादों का उपयोग हमें अधिक से अधिक करना चाहिए, रासायनिक खादों का हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए, जिससे हमको फूड फॉर ऑल, सबके लिए भोजन जो मिले वह कसदार मिले, माने अच्छा मिले। बच्चों, तो हमें क्या सीख चाहिए, जैविक खादों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। इस वीडियो में बच्चों आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।